हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदी। एंड आज की क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आज की हमारी ये फोर्थ क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने तीन क्लासेस ऑलरेडी इसमें हमने कर ली हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैराथन सीरीज चल रही है, जिसमें आज की वीडियो में मैं आप सबको स्क्रिप्ट और ऑक्यूपेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सबों को बहुत सारे, मतलब जितनी भी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी और कुछ इंट्रोडक्शन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने बाकी की जितनी भी अभी तक क्लासेस हो चुकी हैं वो मैं वहाँ पे आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम इसके स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनके ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इनकी इकोनॉमी किस चीज़ पर डिपेंड थी, इनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी, किस तरीके की थी, ये सब कुछ आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर जिस भी स्टूडेंट ने इसकी जो बाकी की तीन वीडियोज़ हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये फोर्थ है और लास्ट, इसके बाद एक वीडियो और आएगी पार्ट फाइव, और इसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये टॉपिक जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पर मैं आपको सब कुछ ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने किसी भी कॉम्पिटेटिव, किसी भी एंट्रेंस की तैयारियाँ कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर स्क्रिप्ट और इसके ऑक्यूपेशन किस तरीके से देखने को मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे कि इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऑक्यूपेशन क्या क्या देखने को मिलता है, किस पे ये लोग, इनकी इकोनॉमी डिपेंड थी, एग्रीकल्चर करते थे, ये सारा प्रोसीजर जो है हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है स्टूडेंट बाइलिंगुअल होगी, आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम के, आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जैसे कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि इनका ऑक्यूपेशन क्या था, कि ये लोग क्या बनाते थे, सील मेकिंग, यानी कि ये लोग सील बनाते थे। दूसरा आप देख सकते हैं, बोट बनाते थे, नाव बनाते थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग के पर्पस के लिए लोग बोट भी बनाते थे, सील भी इन लोग बनाते थे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो क्या है, ऑर्नामेंट्स भी ये लोग बनाते थे, इट मीन्स ज्वेलरीज भी आपको यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखोगे कि लोगों का काम ये भी होता था। नेक्स्ट आप लोग सभी जानते हैं कि मिट्टी के बर्तन यानी कि पोटरी भी ये लोग बनाया करते थे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो वो आपका स्पिनिंग और वीविंग की बात करेंगे, यानी कि कताई और बुनाई, ये वाला काम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ये वाले काम भी करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो वो है चिनाई का काम, और लास्ट अगर आप देखोगे तो वो टेराकोटा मैन्युफैक्चर, यानी कि ये लोग टेराकोटा का भी निर्माण यानी कि उसको बनाते थे, ठीक है। तो ये सारे काम जो हैं आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों इसी सारे काम करते थे, ठीक है। बोट बनाते थे ताकि वो अपना ट्रेडिंग जो है, क्योंकि आप सब ये बात जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हरप्पा जो है, हरप्पा सिविलाइजेशन जो है वो किसके साथ ट्रेड करता था, एक तो वो मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करता था और एक आप देख सकते हैं इजिप्ट के साथ इसका ट्रेडिंग जो है बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ये सब आपस में जो सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये सभी ब्रोंज एज है, ये आप जानते हैं, मेसोपोटामिया हो, इजिप्ट हो और आपका हरप्पा हो या फिर चाइना सिविलाइजेशन हो, ठीक है, तो ये सभी के सब आपके ब्रोंज एज में आते हैं। तो ये सब आपस में जुड़े हुए थे, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे, ठीक है, और ये सब एक दूसरे के साथ क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। मान लो हरप्पा इजिप्ट के साथ करता था या हरप्पा मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया इजिप्ट के साथ, तो ये सब का सब जो है इनका आपस में कनेक्शन था और ये सब आपस में मिलके क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो ये इनका ऑक्यूपेशन आपने देख लिया कि ये लोग ऑर्नामेंट्स भी बनाते थे यानी कि आभूषण भी बनाते थे। आइए चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके से क्या बनाते थे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे पोटरी यानी कि मिट्टी के बर्तन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फिगर लगाई हुई, आप लोग देख लो, इस तरीके के मिट्टी के बर्तन ये लोग यहाँ पे तैयार करते थे। सबसे पहले क्या है, व्हील मेड पोटरी डोमिनेटेड, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जो पहिए से बने मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उससे इनको तैयार किया जाता था। आप लोग जानते हैं कुम्हार किस तरीके से अपने मिट्टी के बर्तनों को तैयार करते हैं, बस उसी तरीके से इसको बनाया जाता था। स्टिल हैंडमेड पोटरी वॉज प्रैक्टिस, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये लोग अपने, यहाँ पे आप जितने भी मिट्टी के बर्तन देखोगे सबके सब क्या होते थे, हाथों से बनाए जाते थे, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें डिज़ाइन ऑफ ट्रीज एंड सर्कल वर कॉमन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनकी पोट्री पे क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल आपको ये मिट्टी के बर्तन देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कुछ डिज़ाइन भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ आपको यहाँ पे ट्रीज के डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, कुछ सर्कल भी बने होंगे, और यहाँ तक कि जो कि मैंने आपको, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, आप लोग यहाँ देख सकते हो इस फिगर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से, ठीक है, ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ना ऐसे सर्कल सा। आपको एक बात बता दूँ कि ये जो पोट्री है, पोट्री में भी ये लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ें लिखना हो, कोई भी चीज़ इसमें स्क्रिप्ट करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको पोट्री पर भी देखने को मिलती है। तो ये इस तरीके का बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे देखने को मिलती है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया? तो पोट्री की बात आपको ये पता होना चाहिए कि मिट्टी के बर्तन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, और सब कुछ हैंडमेड होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, व्हील के थ्रू इसको तैयार करते हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो वो है आपके ऑर्नामेंट्स की। ऑर्नामेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्नामेंट्स यानी कि जो आभूषण ये लोग पहनते थे उसको कैसे क्या करते थे। लॉन्ग बैरल शेप्ड कारेलियन बीड्स होते थे, ठीक है, लंबी बैरल के आकार के आपको यहाँ पे कारेलियन मोती देखने को मिलेंगे। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर ये लोग ब्रोंज का भी बनाते थे, लेकिन ये गोल्ड और सिल्वर के भी ज्वेलरीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और आपको यहाँ ब्रेसलेट्स भी और ताबीज़ भी यानी एमुलेट्स और ब्रेसलेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आप सभी जानते हैं उस टाइम पे मेल हो या फीमेल हो, वो दोनों के दोनों ही ऑर्नामेंट्स को वियर करते थे, उसको पहनते थे, ठीक है। लास्ट अगर आप देखोगे, हरप्पा गोल्ड इज़ नॉट ब्राइट इनफ ड्यू टू हाई सिल्वर कंटेंट, तो यहाँ पे इनका क्या कहना है कि चांदी के कंपेरिजन की अगर हम बात करेंगे, चांदी की जो मात्रा में देखोगे, तो हरप्पा का जो सोना जो है वो उतना ब्राइट नहीं था, ठीक है, जितनी उनकी चांदी शाइन करती थी, चमकती थी, उतना आप देखोगे कि वो आपके हरप्पा की जो गोल्ड की ब्राइटनेस है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आप इस फिगर में भी देख सकते हो, ठीक है, कि ये सारे यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर देखने को मिलते हैं, जो कि वहाँ के चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, वो दोनों ही इस चीज़ को यहाँ पे वियर करते हैं। ये बात आप सभी को पता है। तो ये तो बात हो गई इनकी पोट्री की और इनकी ऑर्नामेंट्स की। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ रॉ मटेरियल के सोर्सेज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, कॉपर खेत्री माइंस देखोगे तो ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। कॉपर की यहाँ पे माइंस हुआ करती थी राजस्थान में। लैपिस लजुली की मैं बात करूँ तो स्टूडेंट ये क्या है, कश्मीर एंड अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। ये फिगर आप देख रहे हो, ये है आपका लैपिस लेजुली, ठीक है। तो याद रखना, ये आपको मैं साथ में जो मैंने यहाँ पे जगह लिखी है, कंट्री भी लिखी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीड की, तो लीड की आपको ये बात करें तो ये आपको कहाँ, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और अगेट और कारेडियन जो मोती आप देखते हैं वो आपको सौराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ये सारे रॉ मटेरियल आते थे और फिर इसके ही थ्रू यहाँ पर आपकी चीज़ें जो है वो तैयार होती थी, ठीक है। चाहे वो आप लोगों का फिर क्या है कि ऑर्नामेंट्स तैयार हो रहे हो, कुछ भी चीज़ें, सारी चीज़ें तैयार होती है, वो सारी चीज़ें जो है रॉ मटेरियल यहाँ से ये लोग लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ ट्रेडिंग भी चल रही है, ठीक है, ट्रेड भी होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड भी करता है, तो वो इन इन जगहों से ये सारी चीज़ें लेता भी था, ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल आएगा करेंगे और फिर वो उस तरीके से यहाँ पे ज्वेलरीज भी तैयार की जाएंगी। यहाँ तक की बातें आप सबको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब हम आगे देखने वाले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके से स्क्रिप्ट या सील्स हमें देखने को मिलती, किस तरीके से लिखते थे, क्या रिकॉर्ड होते थे, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, जल्दी से लाइक शेयर कर दो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और हेल्पफुल रही है तो। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे इस मैराथन सीरीज़ में जुड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ ये हिस्ट्री का चैनल है, आप सभी जानते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
बेनिफिट देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे हम धीरे धीरे अपने हिस्ट्री के सारे टॉपिक और कंटेंट को करने वाले हैं। मैं आपको जल्द ही अब हरप्पा सिविलाइजेशन के बाद जो हमारे जो मेन है आपके इजिप्ट सिविलाइजेशन, आपके मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री में, तो ये आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये सब कुछ आपको यहाँ पे कवर अप कराऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना है। सेकंड, अगर आप मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो मैं आपको बता दूं मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस टेलीग्राम में जाकर के ज्वाइन कर लो, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पर, तो आपके वो सारे सॉल्यूशन वहाँ पे आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इस चैनल का लिंक और कुछ भी इंपॉर्टेंट और कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो हम वहाँ पे करते, तो आप हो सके तो दोनों ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ और देखते हैं कि स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ इस तरीके से, अपने यहाँ पे आपके लिए तैयारियाँ करती हूँ कि आप लोगों को बहुत इजीली से सब कुछ समझ आ जाए और आप लोग नोट्स भी अच्छे से बना सको। बस आपको क्या करना है, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको सिर्फ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को खूब आगे बढ़ाइए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, और मेरी मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्क्रिप्ट की ऑक्यूपेशन। आप सब समझ गए कि ये लोग ट्रेडिंग भी करते थे, ठीक है। ट्रेडिंग में भी ये लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें, ऑक्यूपेशन में मतलब है कि ये लोग क्या क्या चीज़ें बनाते थे, किस तरीके से बनाते थे, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देख ली। अब हम बात करेंगे स्क्रिप्ट की, तो चलिए देखते हैं स्क्रिप्ट की। मैं बता दूँ तो यहाँ पर आपको पता है जो इंडस स्क्रिप्ट ये लोग किस में इंस्क्राइब करते थे, तो वो आपका था सील पे, बोन्स पे, आइवोरी मतलब जो दाती दा हाथी के जो दांत होते हैं स्टूडेंट उस पर, और आपके कॉपर टैबलेट पे, जो कॉपर का तांबा का जो टैबलेट होता है उस पर, और आपके बर्तन यानी पोटरी पर। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ें हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस पे लिखी हुई देखने को मिलेंगी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पढ़ना जानते थे, सॉरी लिखना जानते थे, बट उसको अभी भी डेसिफर नहीं करा जा सकता है, कि अभी भी हम उसको नहीं पढ़ सकते कि वो एक्चुअल में लिखा क्या है। दूसरा मैं बता दूँ आपकी जो स्क्रिप्ट है वो क्या है, पिक्टोग्राफिक है। यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हो, डिड नॉट राइट लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, हमें इसको यहाँ पर हमें लंबे लंबे जो इंस्क्रिप्शन है अभी लेख लिखने में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। स्क्रिप्ट में आपको कोई भी अल्फाबेट यूज होता हुआ नहीं मिलेगा, आपको वहाँ कुछ साइन और सिंबल देखने को जरूर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ए बी सी डी ऐसा कोई भी साइन अल्फाबेट यूज होता हुआ आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। सिंबल्स ऑफ फिशेज आर वर डिपेक्टेड प्रीडोमिनेंटली, आपको यहाँ बता दो कि यहाँ पे जो हमें फिशेज यानी मछली के सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देती हूँ, मैंने आप दोनों के लिए ही लिखा हुआ, ऐसा नहीं है कि ये तो आप दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो याद रखना कि यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ये लोग सारे रिकॉर्ड रखते थे, ठीक है। आज जो हमें हिस्ट्री के इंसिडेंट्स के बारे में पता चलता है कि हाँ कि कौन से समय पर कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं वो हमें एविडेंस मिला है, ठीक है। तो ये लोगों की जो भी चीज़ें देखोगे, चाहे आप सील्स देखो, इंस्क्रिप्शंस देखो, ठीक है। अब आप सील्स देखो, तो सील्स भी स्टूडेंट आपको यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये लोग क्या करते थे, सारे रिकॉर्ड रखते थे कि किस फार्मर ने कितने घंटे तक काम करा, किस लेबर ने कितने घंटे काम करा, और उसने कितनी सैलरी हमने उसको दी, कितना हमने उसको अनाज दिया, तो वो सारे रिकॉर्ड आपको इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें सारी बातें पता चली हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें पढ़ी नहीं जा सकती हैं। हम लोगों को वहाँ पे उस समय पर क्या देखने को मिलता है कि हाँ कि हमें वहाँ पे अगर कोई भी मछली बनी हुई फिश अगर हमें देखने को मिलती है, तो हमें वो समझ में आता है कि हाँ उस समय के लोग फिशिंग भी करते थे, फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट रहा होगा उनके ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में जो हमें पता चला है, ये सारी चीज़ें हमें क्या पता चलता है, यही पता चलता है सील से देकर के कि हाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इन सब चीज़ों से अवेयर थे और इनको इन सब बातों के बारे में पता था, ठीक है। इस तरीके से आज हमें यहाँ तक पता चला कि हाँ यहाँ पे बाटा सिस्टम भी होता था, कि लोग जो है
एक जगह से जाकर के दूसरी जगह अपने ट्रेडिंग पर्पस से जाते थे, और अपनी चीज़ दे करके उससे वो ले करके इस तरीके से बार्टर सिस्टम के सारे काम चलते थे। तो इस सारी चीज़ों से हमें कैसे पता चला, जो वहाँ से हमने सील्स पे देखे, चाहे आपके स्टोन पत्थरों में हमें देखने को मिलता है, चाहे आपके इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करती हैं, इतिहास के बारे में बताती हैं कि किस समय पर कौन सी चीज़ें हुई थी। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। आइए चलिए बताते कि इनकी राइटिंग स्टाइल कैसी थी। तो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो राइटिंग स्टाइल तो आप सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड याद कर लो, बस्ट्रोफेडन। तो बस्ट्रोफेडन की बात करें तो ये इस तरीके की राइटिंग स्टाइल होती थी। तो मैं आपको बता दूँ, ये इमेज आप देख रहे हैं, बस्ट्रोफेडन के मतलब है कि इसको पहले राइट से लेफ्ट और फिर लेफ्ट से राइट लिखा जाता था। ये इमेज मैंने आप सबके लिए इसीलिए लगाई ताकि आप लोग इसको इजीली से समझ पाओ। ये आप लोगों की क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बस्ट्रोफेडन ये इनकी राइटिंग स्टाइल होती थी। इट मींस आप यहाँ देख सकते हैं, पहले ये लेफ्ट से राइट गए, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, ऐसे करते हुए ऑल्टरनेट लाइन की तरह, यानी कि पहले लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे करते करते ये इनकी क्या थी, राइटिंग स्टाइल थी, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर देखने को मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इमेज से आप समझ गए कि ये कौन सी राइटिंग स्टाइल का यूज़ करते थे और ये किस तरीके से लिखा जाता था। एग्ज़ाम के लिए याद रखना, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या डीयू या कोई भी, अगर आप सेमेस्टर वाइज भी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ इसलिए लिखवा रही हूँ कि कभी भी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप सारी चीज़ें बता सको। इसलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रही हूँ। ये बातें आपको समझ में आ गई कि राइटिंग स्टाइल हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर देखने मिलती है, वो राइट से लेफ्ट और देन उसके बाद लेफ्ट टू राइट हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से इसको यहाँ पर लिखा जाता था। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो ये हमें स्क्रिप्ट के बारे में पता चल गया। अब हम इनके कुछ और ऑक्यूपेशंस देख लेते हैं, और भी चीज़ें जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है। तो वो है स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स, किस तरीके के उपकरण, कौन से टूल्स ये लोग यूज़ करते थे, क्या क्या करते थे। सबसे पहले आप सबको पता है कॉपर वॉज माइंड फ्रॉम खेतरी कॉपर माइंस ऑफ राजस्थान। ये मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ कि तांबे का खनन राजस्थान की खेतरी तांबे की खदानों से किया जाता था, ठीक है। आप सभी को ये पता है कि सबसे पहला मेटल जो हमारे यूज हुआ है ह्यूमन बींग के द्वारा वो था आपका कॉपर, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा, या कोई कोई इसको गलत भी कर देता है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर आयरन से ये लोग अनअवेयर थे, आयरन का यूज़ करना ये लोग नहीं जानते थे, इनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो याद रखना, हरप्पन सिविलाइजेशन में आपको ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन आयरन का यूज़ होता हुआ नहीं मिलेगा। इस समय के लोगों को आयरन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, कॉपर और ब्रोंज टूल का यूज़ करते थे। कॉपर तो आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जब हम कालकोलोथिक यानी कि कॉपर एज के बारे में पढ़ते हैं, तो लोगों ने सबसे पहला मेटल जो है वो तांबा ही यूज़ किया था। तांबा यूज़ करने के बाद उन्होंने क्या करा, तांबे में ही टिन मिलाकर के ब्रोंज को बना लिया, ठीक है। और ब्रोंज जो है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग टूल बन गया, और यहाँ से आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हो कि यहाँ से, तो अब ये सारे टूल्स ये लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आयरन का यूज़ ये लोग अभी तक नहीं करते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर टूल फाउंड एट गुंजेरिया। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा जो हमें कॉपर के टूल्स, कॉपर के उपकरण देखने को जो मिलते हैं, वो गुंजरिया जगह से देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा टूल्स। तो आपको टूल्स के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखोगे डोमेस्टिकेशन। अब क्या है, हमने यहाँ पे टूल्स की बात कर ली, अब आप देख सकते हो एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट बनाया था, और ये बात हम मीसोलिथिक पीरियड से यानी मध्यपाषाण काल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये सारे टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता रही हूँ एंशियंट हिस्ट्री मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई है। पहले हमने सोर्सेज पढ़े, फिर स्टोन एज, फिर कॉपर एज, और आप ब्रोंज एज को पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने वो सब प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, स्टार्टिंग से अपनी ये हिस्ट्री को करो, ताकि आप अगर कहीं भी हिस्ट्री को, एंशियंट हिस्ट्री से अगर आप हिस्ट्री कहीं भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली। तो कुछ भी चीज़ स्किप मत करो, सब कुछ जितना मैं आपको यहाँ कराती जा रही हूँ
उसको सीक्वेंस में लाइन से करते जाओ, आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसके बाद कौन सी चीज़ आई और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। ठीक है, बात करते डोमेस्टिकेशन की, पालतू बनाने वाली बात, तो इन्होंने हम डॉल को यानी कि कुबड़ वाले बैल इनके यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद इन्होंने बिफेलो को, शिप, ऑक्सन, गॉड, पिग और भी कुछ एनिमल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इन सबको इन्होंने डोमेस्टिकेट बनाया। सबसे ज़्यादा इन्होंने एलिफेंट और राइनो, ठीक है, लोगों ने क्या करा, जो एलिफेंट है और यहाँ राइनो भी अब लोगों को यहाँ पे परिचित थे, अब इनके बारे में भी, इन एनिमल्स के बारे में भी यहाँ के लोग जानते थे। और यहाँ पे जो डॉग और कैट है, ये दोनों ही दोनों को क्या कराया गया, डोमेस्टिकेट बनाया गया। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी जाता, तो सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो क्या था, आपका डॉग। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो था डॉग आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एलिफेंट और राइनो के बारे में भी यहाँ पे आप लोग जानते थे, इस बात से भी अवेयर थे। तो ये सारी चीज़ें थी, क्योंकि एनिमल को डोमेस्टिकेट क्यों बनाया गया ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि अब नियोलिथिक पीरियड से अगर हमने देखा, लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर अब क्या करना है, एनिमल्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, हेल्प चाहिए। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, जानवरों को, वैसे मीसोलिथिक पीरियड में ही डोमेस्टिकेशन पर्पस जो है ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, लेकिन तो पालतू बनाना क्यों, ताकि वो अपनी नीड तो, और ताकि वो अपने काम भी कर सके। तो ये सारे तरीके थे ताकि वो जानवरों को डोमेस्टिकेट बना सके। मिल्क प्रोडक्ट आपको मिलेगा, चाहे ऊन मिलता है, वूल मिलता है, तो ये सारी चीज़ें फिर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए धीरे धीरे सबके लिए काम आने लगी। आगे बढ़ेंगे, और एग्रीकल्चर की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का क्या रोल रहा है। तो ये आप लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर अगर आप करोगे, खेती अगर आप करोगे, तो आपको पहली बात तो ऐसी जगह सेटल होना जहाँ पे फर्टाइल हो। ठीक है, तो फर्टाइल क्रेसेंट के बारे में मैंने आप सबको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी आप सिविलाइजेशन पढ़ोगे, चाहे इजिप्ट हो, चाहे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो, आपकी हरप्पा सिविलाइजेशन हो, सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ जाके सेटल हुई थी, आपके रिवर के पास। ठीक है, कहाँ पे सेटल हुई थी, आपके रिवर के पास। तो जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं, वो कहाँ जाके, इंडस रिवर के पास जाके सेटल हुए थे। ठीक है, क्योंकि जिन्हें भी एग्रीकल्चर करना है, खेती करनी है, उन सबको ऐसी जगह पर ही जाके सेटल होना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा, पूरा ट्राई करा कि कहाँ नदी के किनारे ये लोग रहे, वहाँ पे करे। तो एनिमल मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट एनिमल बनाया गया वो आपका डॉग था। ठीक है, उसके बाद पिग, गोट, शिप ये आए। ऐसे ही बात करते हैं, जिन्होंने सबसे पहला क्रॉप जो उगाया था वो दो तरीके थे, वीट और बारले। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जो दो क्रॉप्स कौन से थे जो लोगों ने स्टार्ट करे थे, तो वो आपको याद रखना है, वीट और बारले, गेहूं और आपका जौ, सबसे पहले इन्होंने इसको उगाया था। फिर इन्होंने यहाँ के लोगों ने क्या करा, यहाँ के लोगों ने अब कॉटन भी प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, यहाँ के लोगों ने भी अब क्या करने लगे थे, कपास का उत्पादन करने वाले इंडस वाली ही सबसे पहले इंसान है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ शीशम और मस्टर्ड भी देखोगे, तिल और सरसों की भी खेती यहाँ पे की जाने लगी। उसके बाद यहाँ पे लोग क्या करते थे, लोगों ने नवंबर के दौरान बाढ़ में के मैदानों में बोया और अप्रैल में काटा। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे कि ये लोग नवंबर में जब आता था, तो नवंबर के दौरान ये लोग क्या करते थे, क्योंकि उस समय यहाँ पे फ्लड व्लड आने की रहता था, तो वो पहले ही अप्रैल में उसको काट देते थे। ठीक है, तो उस दौरान याद रखना ये लोग क्या करते थे कि हमें पता है कि हमारे इस समय पर, इस मंथ में हमारे यहाँ पे फ्लड आएगा, तो ये लोग क्या करते थे कि क्रॉप्स को पहले ही उगा लेते थे, पहले से उसको करके कलेक्ट करके रख लेते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आने वाली भी प्रॉब्लम है और हमारे जो एग्रीकल्चर है वो ख़राब हो सकती है, हमारे क्रॉप्स नुकसान हो सकते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम पहले से ही अपना सब कुछ करके और रख लें। ठीक है, फ्लड टुक प्लेस एनुअली, आपको मैं बता दूं यहाँ पे हर साल बाढ़ आती ही आती थी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जहाँ अगर पास में रिवर होगी, नदी होगी, तो वहाँ बाढ़ आनी तो ऑब्वियस ही बात है।
तो ये लोग क्या करते थे, पहले ही से ही अपनी वो प्रिपेयर रहते थे, उन्हें पता होता था कि हाँ इस महीने में यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, फ्लड आ सकता है, तो हमें क्या करना है, पहले से ही अपनी तैयारी को करके रखना है, ठीक है। तो वो लोग पहले से ही अपने क्रॉप्स को उगा करके, काट करके और इसको कलेक्ट करके रख लेते थे, ताकि उस टाइम पे वो लोग कुछ नहीं मिलेगा तो जो इन लोगों ने स्टोर करके रखा है फिर वो अपना जो उसी पर चलेंगे, ठीक है। यही चीज़ फिर उनके काम आने वाली है फ्लड के टाइम पर। आशा करती हूँ आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी या कुछ समझ नहीं आ रहा स्टूडेंट, तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी कोई चीज़ें जो आपको शेयर करनी हो, आपको और भी चीज़ें जो पता, आप कमेंट के थ्रू सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। मैं जितना पढ़ा सकती हूँ अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँ आपको सारी चीज़ें बताऊँ। बाकी आपको भी कुछ अगर पता है तो आप भी शेयर करो, तो ऐसे लगेगा कि सिर्फ मैं अकेले वन साइड ही नहीं पढ़ा रही हूँ, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपको भी पता है, आप भी इतनी नॉलेज रखते हैं, तो ऐसे क्या होगा, आपका रिविजन भी होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ हमने आपने इतना पढ़ा था, अब हमने ये ऐड कर लिया और इतना आपने पढ़ लिया, तो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशियंट होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आशा करती हूँ सारी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ आज की वीडियो में अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि एग्रीकल्चर कैसा था, ठीक है, डोमेस्टिकेशन कौन किस किस जानवरों को पालतू बनाया गया, टूल्स किस तरीके से यूज़ करे थे, कहाँ से आए गए, फिर उनकी राइटिंग स्टाइल्स हमने देख ली, और फिर हमने ये भी बता दिया कि इस टाइम पे जो इंदस स्क्रिप्ट है वो किस पे लिखी जाती थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको स्क्रिप्ट के साथ साथ पूरा ऑक्यूपेशन भी पढ़ाया था कि कौन सी चीज़ें हमें कौन से सोर्सेज हमें देखने को मिलती है। ऑर्नामेंट्स बनाने लोग जानते थे, पोटरी यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ ये सारे काम भी ये लोग जानते थे, यानी कि स्पाइनिंग और वीविंग का काम भी करते थे, कढ़ाई बुनाई के काम भी इन लोगों को आता था, स्पेशली तो आप जानते हो वुमेन ही ये काम करती थी। तो ये सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर होती थी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में मैंने आपको ऑक्यूपेशन और स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ा दिया कि ये लोग क्या क्या काम करते थे और क्या क्या चीज़ें हमें पता चली। अब जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट, वो होगा डिक्लाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ, और एक टॉपिक और बचा उनका धर्म, वो रिलीजन में क्या बिलीव करते थे, कैसे बिलीव करते थे, किस पर बिलीव करते थे, ये सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके बाद हमारा ये जो सीरीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फाइनली ख़त्म हो जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में बस इतने ही, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताना, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली है। अगर आप कहीं से भी एम ए बी ए एंशियंट हिस्ट्री से कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखो, बहुत ही ज़्यादा आप सबको यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से हम इस चैनल को ये मैं सीरीज़ कंप्लीट करने में रहूँगी, इसके लिए आपको मेरे साथ सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल पे बने रहना पड़ेगा, और कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कहीं भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पे कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी क्विज भी करते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो कुछ भी चीज़ों में वो सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर करती हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा, ओके स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं, बाकी की और भी एंशियंट मेडिएवल मॉडर्न हिस्ट्री और भी कोई वीडियोस अगर आपको देखनी है, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए आके वहाँ पे मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए और देखिए कि कौन सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।